नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है और यही कारण है कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा दी है। हालात तो ये हो गए हैं कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सीएम शिवराज को खुद प्रदेश की सड़कों पर उतरना पड़ गया। लाख कोशिश के बावजूद भी जब कोरोना के बढ़ते मामलों में कोई कमी नहीं आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक बुलाई और कई बड़े ऐलान कर दिए। प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक अब हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा, जबकि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल को लेकर अगले आदेश तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात से लेकर 8 बजे सुबह तक आने वाले आदेश तक, मतलब आने वाले 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि शाजापुर शहर में बुधवार 7 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 2 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि अब प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 3 महीने तक सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे, जबकि शनिवार और रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 4043 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कल कोरोना से 13 लोग की मौत भी हो गई है और इसी के साथ राज्य में पॉजिटिविटी रेट 12% तक पहुंच गया है। लॉकडाउन लगाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक बार फिर जोर देकर कहा कि हम संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प होगा। इसी के साथ सीएम ने लोगों से अपील भी की कि सावधानी बरतें ताकि जल्द से जल्द कोरोना को खत्म किया जा सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आप ही क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें। धन्यवाद।